Hey guys, it's me Anmol Sasdeva. Welcome back to my channel. Last हमने videos में बात कर लिया है calories, macros और micros के बारे में और आज हम लोग बात करने वाले हैं nutrition timing और frequency के बारे में कि nutrition की हमारी overall timing day में क्या रहेगी या फिर week में किस तरह हम लोग cycling कर सकते हैं उस बारे में हम लोग आज discuss करने वाले हैं. तो अभी तक हम लोगों ने जो बिगर पिक्चर था कैलोरीज मैक्रोज और माइक्रोज का वो हम लोगों ने पूरा कर लिया है. अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज जाके पहले उस वीडियो को देखिए. अब जो स्मॉलर पिक्चर है जो मील फ्रीक्वेंसी है उसके बारे में बात करेंगे कि हमारी टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए. एक बहुत बड़ा मिथ अगर आप देखोगे जो चलते आ रहा है कि जब भी हम लोग बात करते हैं टाइमिंग्स की, कुछ स्पेशल टाइमिंग्स या फिर कुछ ऐसी चीजें कि आप इस टाइम पे ये खा लो तो आपका फैट लॉस हो जाएगा या फिर आप पोस्ट वर्कआउट में आप कार्ब खा लोगे तो आपका मसल गेन ज्यादा हो जाएगा या फिर आप बनाना खा लोगे तो आप अचानक से आपका मसल बिल्ड बहुत ज्यादा होने लगेगा. तो गाइज ये एक बहुत बड़ा मिथ है. अगर आपका ओवरऑल कैलोरिक इनटेक मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है तो आप चाहे कुछ भी खा लो पोस्ट वर्कआउट प्री वर्कआउट या ब्रेकफास्ट में उठते के साथ आपका मसल गेन या फैट लॉस वहां पे नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप सुबह उठते के साथ आप ओट्स और एग्स ले रहे हो, आप 100 ग्राम ओट्स ले रहे हो और 5 एग्स ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, टेंटिवली ये एक बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट है. बट अगर ये आपके ओवरऑल मैक्रोस से जितनी आपको जरूरत है उससे ऊपर है तो आप फैट गेन करोगे ही करोगे, चाहे वो कितना भी हेल्दी हो. चाहे आप सैलेड के साथ चिकन और ब्राउन राइस खा रहे हो, चाहे आप कुछ भी खा रहे हो, अगर वो आपके ओवरऑल कैलोरिक नीड से ज्यादा है तो आप फैट गेन वहां पे करोगे ही करोगे. एंड सिमिलर फॉर एनीबॉडी हु इज ट्राइंग टू गेन सम वेट, अगर आप कुछ भी खा रहे हो, अगर आप सिर्फ सोच रहे हो कि मैं बहुत खा रहा हूँ एंड आई एम ईटिंग शुगरी थिंग्स एंड आई एम ईटिंग फैटी थिंग्स, बट अगर वो आपके कैलोरिक नीड से नीचे रहेगा तो आप वेट गेन नहीं कर पाओगे. अगर आपको ये सब चीजें नहीं थोड़ी समझ में आ रही है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप न्यूट्रिशन पजल का जो फर्स्ट सेकंड पार्ट है कैलोरीज और मैक्रोस के बारे में वो आप ध्यान से देखो, एक बार आप समझने की कोशिश करो. कोई दिक्कत होती है आप प्लीज कॉमेंट सेक्शन में उसको ड्रॉप करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे देखो और फिर इस वीडियो को फिर से स्टार्ट करो. अगर हम लोग जनरलाइज करें मील टाइमिंग को कि आपको दिन में कितने मील्स लेने चाहिए ओवरऑल, आप कितने आपको किस टाइम पे क्या क्या खाना चाहिए, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं रखता है कि आप पूरे दिन में कितने मील्स ले रहे हो. अगर आप कोई भी आप फिटनेस एथलीट को देखोगे उनका यही रहता है 6 मील्स अ डे फॉर हेल्दी आई डोंट नो व्हाट थिंग्स, बट इफ यू सी मोस्ट ऑफ द रिसर्चेस आप स्टडीज पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि मील टाइमिंग्स उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका ओवरऑल कैलोरिक नीड है. अगर आप रिजल्ट्स की बात करो, ओवरऑल आउटकम की बात करो, तो इट हार्डली मैटर्स कि आप ओवरऑल दिन में कितने मील्स ले रहे हो. ऐसा नहीं है कि 6 मील्स लेके आप कट करोगे तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा या ऐसा कुछ है. इट्स मोर टू डू अबाउट कि आपका ओवरऑल हेल्थ कैसा है, आप उसको अपने लाइफस्टाइल में कैसे इंडल्ज कर रहे हो, आपका सेटाइटी लेवल्स कैसा है और आप डाइट कितने ज्यादा कॉन्सिस्टेंटली हिट कर सकते हो अपना. तो जैसा कि मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको बता रहा हूं कि ओवरऑल आपका कैलोरिक नीड इंपॉर्टेंट है तो आप दिन में उसको अपने लाइफस्टाइल में इंडल्ज करो. फॉर एग्जांपल अगर आप फैट लॉस करना चाह रहे हो आप या फिर आप वेट गेन करना चाह रहे हो, आप एक्सट्रीम्स में मत जाओ. दिक्कत तभी आती है गाइस जब आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में जाना चाहते हो, आप डाइट कंसिस्टेंटली नहीं कर सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूंगा कि IF का एग्जांपल देते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग का, इट्स अ वेरी गुड डाइट बट अगर आप देखोगे उसका कि सडनली आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इफ योर कैलोरी नीड्स आर हायर और लोअर, तो ऐसा नहीं है. IF अगर आप कर भी रहे हो और आप बहुत एक्सट्रीम लेवल पे IF कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप फास्टिंग कर रहे हो बहुत ज्यादा और आप दिन में सिर्फ 2 मील ले रहे हो, देन इट स्टार्ट्स टू ट्रबल यू. आप सिर्फ 2 मील लेके अगर फैट लॉस करना चाहोगे तो आपका हंगर लेवल्स थोड़ा परेशान होगा, आप शायद दिन में आपका एनर्जी लेवल्स उतना अच्छा नहीं रहेगा, तो दिक्कतें आती हैं. सिमिलर विद गेनिंग, अगर आप गेनिंग कर रहे हो एंड इफ यू से यू हैव अ जॉब और अगर आपको अपना मील 7 या 8 टाइम में डिवाइड करना है, इट्स टफ. अगर आप नहीं इंडल्ज कर पा रहे हो तो कोई जरूरत नहीं आपको 8 मील्स तक जाने का, आप उसको 6 मील्स में भी ओवरऑल कैलोरीज हिट करोगे तो आपको रिजल्ट्स सेम मिलेंगे. तो अभी मैं आपको थोड़ा सा जनरलाइज करता हूँ कि आप अगर कट कर रहे हो तो आप कितने मील्स खाओ. अगर आप कट कर रहे हो तो ऑन एन एवरेज यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन 3-5 मील्स अ डे.
तीन से अगर आप नीचे जाते हो तो कभी कभार दिक्कत होती है। अगेन ये बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट आप तीन से नीचे जाते हो तो थोड़ा सा दिक्कत होता है आपका। कॉन्स्टेंटली आप फूड नहीं खा पा रहे हो तो एनर्जी लेवल्स थोड़ी सी आपकी डिस्टर्ब होती है। सिमिलरली अगर आप पांच से ज्यादा मील कर रहे हो, सात या आठ मील्स की तरफ जा रहे हो, आप तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा। आप दिन भर खाने के बारे में सोचोगे, आपको मील प्रेप बार बार करना होगा, और आप छोटे छोटे मील्स लोगे बार बार, तो एक तो आपको फुलनेस की जो फीलिंग है वो भी नहीं आएगी, और आप दिन भर आपका ज्यादा फोकस रहेगा कि मुझे अगला मील खाना है, अगला मील खाना है। तो इट्स बेटर कि यू शुड स्टिक अराउंड 3 to 5 मील्स अ डे, जो कि बहुत बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। अब हम लोग बात करेंगे गेनिंग की। इफ यू आर ट्राइंग टू गेन वेट, तो आपको ध्यान देना है कि आप ओवरऑल दिन में 5 से 7 मील्स रखो। अगेन आप इसको अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से 3 मील या 4 मील में भी ओवरऑल कैलोरीज खा सकते हो, बट सिंस आप गेनिंग कर रहे हो, यू आर ऑन सरप्लस, आप जितना आपको खाना है मेंटेनेंस से उससे आप थोड़ा ज्यादा खा रहे हो हमेशा, तो एक बार में मील को डाइजेस्ट करना और उतना मील खाना एक बार में, बड़े मील लेना, किसी किसी लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो अगेन ये भी जैसे कि मैंने बोला कट में भी कि सब्जेक्टिव होता है, ये भी थोड़ा सब्जेक्टिव है, बट ऑन अ हेल्दी नोट आप 5 से 7 मील्स अपने गेनिंग में डिवाइड कर सकते हो थ्रू आउट द डे, दैट विल बी वेरी गुड। तो गाइज अब हम लोग बात करेंगे प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन के बारे में। प्री वर्कआउट न्यूट्रिशन और पोस्ट वर्कआउट पे भी काफी सारे मिथ्स हैं, अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ भी आप सुने होंगे कि प्री वर्कआउट आप शकरकंदी खा लो या ब्राउन ब्रेड खा लो तो बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, या फिर पोस्ट वर्कआउट आप तुरंत वे पी के एप्पल ले लो, या आई डोंट नो व्हाट शिट्स आर गोइंग अराउंड द मार्केट। बट अगर आप देखो ऐसा तो ओवरऑल आपको कैलोरी हिट करना ही है अपना डेली, दैट्स इट। उसके अलावा प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट कुछ भी लो, इट डजेंट मैटर। टॉकिंग अबाउट प्री वर्कआउट डिस्ट्रीब्यूशन, तो ओवरऑल कैलोरीज में से ज्यादा मैटर नहीं करता है कि आप प्री और पोस्ट क्या क्या रख रहे हो, क्योंकि पोस्ट वर्कआउट सिर्फ आप प्रोटीन लोगे तो वो भी एनाबॉलिक तुरंत नहीं होता है, इट गोज अराउंड थ्रू आउट द डे। आपका प्रोटीन आप थ्रू आउट द डे कितना हिट कर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलर अबाउट प्री वर्कआउट न्यूट्रिशन, अगर आप प्री वर्कआउट भी कार्ब सिर्फ ले रहे हो और उसको आप अपने कैलोरिक नीड से हटके ले रहे हो तो वो वर्क नहीं करेगा। अब हम लोग बात करें अगर एक मिथ है कि ग्लाइकोजन रिप्लेनिशमेंट के बारे में, कि आपको पोस्ट वर्कआउट तुरंत कार्ब की जरूरत है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप स्टडीज देखोगे तो ओवरऑल आपका डेली कार्ब इनटेक 24 आवर में कितना हुआ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इवन इफ यू आर ऑन अ मॉडरेट और इवन इन सम केसेस लो कार्ब डाइट पे भी हो, तो ग्लाइकोजन रिप्लेनिशमेंट ओवरऑल आपके डेली 24 आवर से ही हो जाएगा। इट डजेंट मैटर कि आप तुरंत पोस्ट वर्कआउट एक कार्ब सोर्स ले रहे हो या नहीं। एंड टॉकिंग अबाउट पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन, अगर आप देखो तो ओवरऑल आपका प्रोटीन इनटेक 24 आवर में सेम कितना रहता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि हम लोग एक बार सोचे थे, कि आप देखे होंगे अभी से कुछ साल पहले भी सप्लीमेंट इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आ गया था प्रोटीन का, एंड देयर फॉर द मिथ स्टार्टेड गोइंग अराउंड कि प्रोटीन हमें तुरंत ही चाहिए वर्कआउट के बाद, तो ऐसा नहीं है। आप ओवरऑल सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करो कि आपका दिन में प्रोटीन मैक्रोस हिट हो रहा है। सो इन केसेस ऑफ कटिंग, अगर आप ट्रेनिंग के साथ कुछ ऐसा एक्सरसाइज भी कर रहे हो जो एनारोबिक है, जैसे HIIT हाई डेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, कार्डियो आप कर रहे हो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के साथ, आप जिम कर रहे हो और मेरा मतलब है कि आप कार्डियो भी कर रहे हो, तो फिर अगर आपको और आप कट कर रहे हो तो आप वैसे भी थोड़े लोअर कैलोरीज पे हो, आप डेफिसिट पे तो हो ही, तो इट्स ऑलवेज बेटर, थोड़ा सा रिकमेंडेड रहेगा ही कि आप अपना कार्ब सोर्स जो है वो फिर वर्कआउट के अराउंड आप रख सकते हो। बट इफ यू आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ कार्डियो एक्टिविटीज तो इट डजेंट मैटर मच, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू लीन गेन या फिर आप गेनिंग फेज में हो तो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा कि आप प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट क्या ले रहे हो, क्योंकि आप वैसे भी ओवरऑल मील्स आपका डिवाइडेड है, हर टाइम आपके मील्स में प्रोटीन और कार्ब रहेगा ही रहेगा, तो इट हार्डली मैटर्स कि आप उसको कितना और किस टाइम पर डिवाइड कर रहे हो। तो सिर्फ जब आप कट कर रहे हो एंड यू आर कटिंग विथ कार्डियो एंड HIIT सेशंस, तो फिर मेरा रिकमेंडेशन है कि आप प्री और पोस्ट वर्कआउट 1 घंटे और 1 घंटे वर्कआउट से पहले और बाद में आप कार्ब सोर्स रखो अपना, जो दिन का कार्ब है आपका वो इसी टाइम रखो, दैट इज बेटर। इफ यू आर डूइंग एंड्योरेंस ट्रेनिंग, आप मे बी आप क्रॉसफिटर हो या ऐसे कुछ हो जो आप 1-2 घंटे की लगातार आपको एंड्योरेंस ट्रेनिंग करनी है, तो फिर इट्स बेटर कि आप एक कार्ब सोर्स इंट्रा वर्कआउट भी रखो विथ अ प्रोटीन सोर्स, फॉर एग्जाम्पल मे बी हाफ स्कूप ऑफ वे विथ 30 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, तो इस टाइप का आप कुछ इंट्रा वर्कआउट रख सकते हो।
तो दैट्स इट गाइस फॉर मील फ्रीक्वेंसी एंड मील टाइमिंग्स। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि मील टाइमिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप दिन के जितना भी आपको खाना खाना है वो आप पूरा कर रहे हो, और आप खाने में कितना ज्यादा मैक्रोज आपने डिवाइड किया है, जो प्रोटीन फैट और कार्ब सोर्स है, वो आप कैसे अपने ओवरऑल कैलोरीज में डिवाइड करके उसको खा रहे हो। तो मील टाइमिंग्स अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, अनलेस आप एक्सट्रीम कट पे हो या फिर आप प्रेप कर रहे हो कॉम्पिटिशन्स के लिए। इसके अलावा अगर आप जनरल फिटनेस कर रहे हो, आप फैट लॉस कर रहे हो या बेसिक मसल गेन कर रहे हो, एंड बॉडी बिल्डिंग इज नॉट योर स्पोर्ट, इफ यू आर डूइंग इट टू स्टे फिट एंड ट्रांसफॉर्म एंड टू अचीव अ गुड डिसेंट नेचुरल फिजिक, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है मील टाइमिंग के ऊपर, आपको ज़्यादा दिमाग इस पर नहीं लगाना है। ओवरऑल कैलरीज हिट करो और अपने मैक्रोज पे ध्यान दो, दैट्स इट। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, और कोई भी आपको क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में डालें। अगर आपको मेरा न्यूट्रिशन पिरामिड का सारे बेसिक्स जितने भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ पसंद आ रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। टिल देन गाइज स्टे फिट स्टे हेल्दी एंड स्टे एस्थेटिक।